कुक प्रो 6 पे अभी तक हमने आपको मटन मसाला बना के दिखाया, चिकन मसाला बनाया है, लेकिन अभी तक हमने नहीं बनाया था पनीर मसाला। तो चलिए आज बनाते हैं आपके लिए पनीर मसाला। अब लगन में हम लेंगे 150 ml तेल, 2 तेजपत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग और 4 ही हरी इलायची। जब कड़कने लगे तो हम मिलाएंगे इसमें 1/2 किलो चॉप किया हुआ प्याज और अच्छे तरीके से भूनेंगे। और जब भी हम प्याज भून रहे हैं तो ढक्कन लगा के अगर हम भूनते हैं तो प्याज हमारा अच्छे से भूनता है, तो हम लगा देते हैं ढक्कन और एनर्जी भी सेव होती है। इसी बीच में हम बना लेंगे एक पेस्ट। इसके लिए ले रहे हैं मिक्सी का जार और लेंगे सोक किया हुआ 60 ग्राम काजू और 40 ग्राम मगज और बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। और ये देखिए पेस्ट बन के पूरी तरह से तैयार है। हटाते हैं ढक्कन और प्याज को चला लेते हैं। प्याज को अच्छे से भुनना है, ढक्कन लगा देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, यहाँ पे हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इस डिश के लिए मैं डालूंगा 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक। साथ में मिलाते हैं थोड़ा सा ग्रीन चिली का पेस्ट भी, हल्का। चलो अच्छे से भूनेंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, बस सारे स्टेप्स को गौर से देखने। आपने देखना है कि प्याज कितना लाल हुआ था, कब जिंजर गार्लिक हमने डाला और किस तरीके से हम भून रहे हैं। अब मिलाएंगे हल्का सा नमक, क्योंकि जिंजर गार्लिक में जिंजर जो है वो नीचे की ओर चिपकेगा, तो नमक डालने से वो चिपकना बंद हो जाएगा। और अब एक फटाफट मसाला का घोल तैयार कर ले। 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच के आसपास लाल मिर्च का पाउडर, स्पाइसी करेगा ये। चिली का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार करें। धनिया पाउडर और ये 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 गरम मसाला पाउडर। डालते हैं पानी। प्याज भूनते समय हमेशा पेशेंस दिखाएं, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पेशेंस, क्योंकि आपका स्वाद यहीं पे बनता और बिगड़ता है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप प्याज और टमाटर से ग्रेवी बनाते हैं। हमारा प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है, यहाँ पे हम मिला देंगे घोल, चला लेते हैं। मसाला डाला है हमने, मसाला भूनेगा और तेल स्प्लिट होगा। आप देख सकते हैं स्प्लिट होने लग गया है। हम बना रहे हैं मसाला ग्रेवी और पनीर का मसाला। तो प्याज हमने डाल दिया 1/2 किलो और मेरे हाथ में है 1/2 किलो कटा हुआ टमाटर, ये भी डाल देते हैं। इक्वल क्वांटिटी रखा है। लगाएंगे ढक्कन, आंच को करेंगे स्लो और पकने देंगे जब तक टमाटर अच्छे तरीके से मैश ना हो जाए। ढक्कन हटाते हैं। टमाटर हमारा थोड़ा थोड़ा गल गया है, थोड़ा और गलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालते हैं गर्म पानी और ये हमने डाला 1 कप और साथ में डालेंगे 1/2 कप और साथ में मिला देंगे पेस्ट जो हमने बना के रखा है। हमने काजू और मगज का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे अच्छे से साफ करके मिला देंगे और अच्छे से हल्के हाथों से बराबर मिक्स करेंगे ताकि हमारा लंप ना पड़े। और हल्का पानी, वापस से ढक्कन लगाएंगे, पकने देते। चलो और अब हम डालेंगे पनीर। पनीर को हमने डाइसेस में काटा है, 1/2 किलो पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पनीर के साथ मिलाई जाएगी कटा हुआ हरा धनिया। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, हर डिश की एक खूबी होती है और एक पहचान होती है। इस डिश की जो खूबी है वो मेरे हाथ में है, मुट्ठी में बंद अजवाइन। चलिए देखते हैं कैसे डालते हैं। हमने ग्रेवी बनाने की शुरुआत की थी तेल के साथ, और ऐसे डिशेज में बटर या घी हो तो स्वाद बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर लूँगा देसी घी और ये मैं लूँगा 2 छोटे चम्मच। घी गरम है, डालते हैं अजवाइन और डालेंगे डाइस किया हुआ प्याज, साथ में डालेंगे कैप्सिकम, अच्छे से सौते करेंगे। अब हम डाल देंगे अजवाइन और अब हम डाल देंगे अजवाइन का तड़का जो हमने प्याज और कैप्सिकम के साथ लगाया। हाथ से अच्छे तरीके से रगड़ के कसूरी मेथी, ये भी हमारे डिश में जान फूकेगा। ये पिंच शुगर, चलिए ग्रीन चिली अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वाद अनुसार नमक। हमने नमक का इस्तेमाल शुरू में
बहुत कम किया था, और यहाँ पे हम अंदाज से नमक डाल देंगे। पनीर मसाला की नज़ाकत को देखिए, कितना प्यारा दिख रहा है। अच्छे से चला लेंगे और हमारा पनीर मसाला की आज की रेसिपी बनके तैयार है। चलिए आइए प्लेटिंग करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। लेकिन मेरी ये रेसिपी अलग है, अच्छी है और स्वादिष्ट भी है। उम्मीद करता हूँ आप इसे बनाएंगे, महसूस करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको ये हमारी अच्छी लगी है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सेबस्वनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।